आपके साथ हूं मैं प्रतिभा ज्योति और हम लेकर आए हैं देश भर से चुनावी खबरें। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी क्यों जाहिर कर दी? और चाय वाला प्रधानमंत्री क्या बना कि राजनेता नए नए जुमले गढ़ने लगे, बताएंगे कि अब कौन बना है दूध वाला। नमस्कार, मैं हूँ विजय त्रिवेदी। पेश है हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों की 95 सीटों पर हुई वोटिंग। सुबह से कतार में दिखी लोगों की भीड़। तमिलनाडु और कर्नाटक में सितारों ने डाले वोट। यूपीए में कई जगह लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार। बंगाल में वोटिंग के दौरान कई जगह हुई हिंसा। आपस में भिड़े टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता, तोड़ी ईवीएम। पश्चिम बंगाल के रायगंज में सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम की कार पर हमला। टीएमसी पर लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से दाखिल किया नामांकन। बीजेपी प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार निरहुआ के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। कहा, यदि कोई चाय वाला तो मैं हूँ दूध वाला। बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी ने यूपी के सुल्तानपुर से दाखिल किया नामांकन, तो सपा नेता पूनम सिन्हा ने लखनऊ से भरा पर्चा। मेनका ने नामांकन से पहले किया रोड शो। समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। भोजपुरी स्टार और बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने गोरखपुर में निकाला जुलूस। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। रवि किशन ने लगाए जय श्री राम के नारे। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी से नाराज। पार्टी में गुंडों को तवज्जो देने का लगाया था आरोप। बीजेपी में शामिल होने की चर्चा। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने लिया यू-टर्न। कहा, वाराणसी से अब नहीं लड़ेंगे चुनाव। सपा बसपा गठबंधन का करेंगे समर्थन। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने उतारे 4 उम्मीदवार। इलाहाबाद से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी मां ने दाखिल किया नामांकन। छत्तीसगढ़ के कांकेर में वोटिंग के दौरान हार्ट अटैक से हुई पोलिंग ऑफिसर की मौत। इलेक्शन स्पेशल हेडलाइंस में आज इतना ही। आज के हेडलाइंस में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ HS न्यूज पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। HS न्यूज, जहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।